मैं अक्सर कहता हूं कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है। आपके जैसे दर्शकों के होने में ही किसी रवीश कुमार का होना है। आप हर मौसम में बरसात बनकर आ जाते हैं, सूखते पेड़ों को हरा करने आ जाते हैं। आज आपकी बदौलत YouTube पर, Twitter पर कितने ही पत्रकार खड़े हो गए। आप उन सभी के पीछे खड़े हैं। आज कई वेबसाइट हैं जिन्हें आप सब्सक्रिप्शन के बहाने आर्थिक मदद देते हैं, जब लोकतंत्र में एक भी संस्था नजर नहीं आ रही थी। अदालतें कमजोर नजर आ रही थी, आ रही हैं, आप दर्शक नजर आ रहे थे। आज के दौर में आप ही पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान हैं। पत्रकारिता अब संस्थानों में नहीं बची है, आप जैसे दर्शकों के बीच बची हुई है, जिनकी मदद से आज पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। यही आपका इस वक्त में सबसे बड़ा योगदान। नौकरी छोड़कर सत्ता के आगे न झुकने वाले बेखौफ और बेबाक पत्रकार रवीश कुमार इन दिनों खूब चर्चा में है। ट्विटर से लेकर फेसबुक और यूट्यूब तक, या यूं कहिए तमाम सोशल मीडिया पर बस रवीश कुमार की ही चर्चा चल रही है। इन सब चर्चाओं के बीच रवीश कुमार का एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस पोस्ट में रवीश कुमार ने एक ऑटो रिक्शा की तस्वीर पोस्ट की है, जो तस्वीर रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर खूब घूम रही थी। इसी तस्वीर को रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। इसकी दास्तान बयान करते हुए लिखा, जून 2018 की बात है, दफ्तर जा रहा था, तभी रास्ते में एक ऑटो दिखा जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने उन्हें रोका और अपना नंबर दिया और कहा कि दफ्तर आइएगा, आपसे मिलेंगे। अगले दिन जब आए तो चार ऑटो थे, मुझसे कुछ बोला नहीं गया। एक चालक मेरे लिए घड़ी लेकर आए थे, कहा कि पहनेंगे। उसी वक्त अपनी घड़ी उतार दी और उनकी पहन ली। उस दिन जब शो किया तब हाथ उठाकर वो घड़ी भी दिखा दी थी। लगता है आज इसी में से एक ऑटो की तस्वीर वायरल हो गई। पिछले कुछ दिनों में आप सभी ने जो प्यार दिया है, मैं नतमस्तक हूँ। हजारों संदेश और सलाहों के बीच जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ। बस अगले कुछ दिनों तक के लिए कोई मैसेज ना करें, थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। फ़ोन में मैसेज मत कीजिए, जितने मैसेज आए हैं उन्हीं से गुजरना मुश्किल हो रहा है। सभी इतने अच्छे हैं कि पढ़ने का दिल भी करता है, वक्त चाहिए। आशा है आप सभी समझेंगे और मैसेज न करेंगे। रवीश कुमार ने यह पोस्ट जैसे ही फेसबुक पर डाला, लोग भी अपनी अपनी बातें कहने लगे। एक यूज़र ने लिखा, प्लेटफॉर्म बदला है, तेवर नहीं, उम्मीद है क्रांति जारी रहेगी। एक दूसरे यूज़र ने लिखा, आपका NDTV छोड़ना टीवी पत्रकारिता के एक युग का समापन है। आप उनसे लाख बार असहमत हो सकते हैं, पर उनके पूछे गए सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी राजनीतिक सोच भी उनसे अलग है, परंतु फिर भी वो मुझे पसंद है। बेहतरीन पारी, शुक्रिया NDTV जिसने आपको बेहतरीन पारी खेलने का मौका दिया। तो वहीं एक दूसरे यूज़र ने लिखा, आप इस युग के सत्याग्रही हैं। सत्य हमेशा से फांसीवाद ताकतों के लिए परेशानी का सबब रहा है, और उन्होंने सत्य को कुचलने की पुरजोर कोशिश की है। एक कलमकार के रूप में आपने जो अनमोल हीरा पकड़ा है, वही आपकी असली ताकत है और आपके अस्थूल शरीर का रक्षक भी है। निर्भय और निर्डरता उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। नई पारी के लिए शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करे, आप स्वस्थ और ऊर्जावान हो, ऐसे मेरी उस परमात्मा से प्रार्थना है। तो आप रवीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।